आज स्टील ड्राइंग हम शुरू करें, ठीक है। पहला सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओए देखिए, कॉलम बेस कनेक्शन, कॉलम बेस, ओए बात नहीं, क्या पढ़ेंगे हम, कॉलम बेस कनेक्शन, ठीक है, है ना। अब देखिए आपके सामने मतलब फिगर दिख रहा है ना, देखिए मोबाइल में, ऑनलाइन वालों को यहाँ दिखेगा, दिख रहा है ना। तो देखिए कॉलम बेस कनेक्शन में, ठीक है, कॉलम बेस, अब देखिए कॉलम बेस आप लोग स्टील ड्राइंग में, स्टील डिजाइन में पढ़े हुए हैं, इसलिए स्टील डिजाइन पढ़ाने के बाद हमें शुरू करते हैं, ज़्यादा समझ आता है हमको। देखिएगा बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझ आता रहेगा। अब ज़्यादा बात मत किया करिए, ठीक है, समझिएगा। अब कॉलम बेस दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लेब बेस, दूसरा क्या होता है घसेट बेस। एक क्या होता है स्लेब बेस, दूसरा क्या होता है घसेट बेस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलम बेस कनेक्शन विथ, या ब्रैकेट में लिखेंगे घसेट बेस, क्या पढ़ेंगे हम लोग, घसेट बेस, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन डाटा नोट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन दिया आपको नहीं, बुक में सबसे समस्या यही है, एक क्वेश्चन नहीं देते हैं सब, नहीं है क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ कहाँ, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, हाँ देखिए। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पिछले साल का क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है ड्रा द, ओए देखिए क्या कह रहा है, ड्रा द प्लान ऑफ स्लेब बेस फॉर कॉलम फ्रॉम डिटेल्स गिवेन बिलो। कह रहा है कि नीचे जो डाटा दिया गया है उसके आधार पर स्लेब बेस कॉलम का प्लान और इलिवेशन बताना है, क्या बताना है, प्लान और इलिवेशन, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो तो स्लेब बेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन घसेट बेस का, क्या पढ़ेंगे घसेट बेस का। तो डाटा नोट करिएगा, लिखिएगा मेन बीम, नहीं नहीं मेन बीम नहीं, कॉलम, हाँ डाटा नोट करिए, कॉलम अभी मिटा देंगे इसको, कॉलम लिखिए कितने का दिया भाई, ISHB 400, ISHB 400 दे रहा है कॉलम, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कवर प्लेट 10 mm थिक, छोड़े, उसके बाद क्या दे रहा है बेस प्लेट, बेस प्लेट, बेस प्लेट कितने का दे रहा है, 700 × 30 mm, उसके बाद दे रहा है क्लीट एंगल 100 × 100 × 10 mm, क्लीट लिखते रहिए आप लोग, क्लीट एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 100 × 100 × 10 mm, ये 700 × 700 × 30 mm है, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा भाई, हाँ देखिए है ना, बेस प्लेट 700 × 700 × 30, क्लीट एंगल 100 × 100 × 10 mm, उसके बाद रिवेट डाया, डाया ऑफ रिवेट कितने का दे रहा है आपका, 20 mm, रिवेट का डाया दे रहा है आपका 20 mm, बोल्ट होल्डिंग बोल्ट दे रहा है आपका, होल्डिंग बोल्ट कितने का दे रहा है आपका, 20 mm, डाया का 4 नंबर, ए बात मत क्या करिए। कंक्रीट ब्लॉक कितने का दे रहा है, आज छुट्टी था सबका, कोई सर लोग का काम होगा फर्स्ट ईयर का, फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर का बंद था, होगा सर लोगों का काम था, हाँ हाँ लड़कों का नहीं, जैसे एक लोग का काम होता है तो होता है कि क्या एक सब्जेक्ट पढ़ने आएंगे, बंद कर देते हैं लोग। अच्छा कंक्रीट ब्लॉक लिखिएगा 1000 mm गुणे
1000 mm गुणे 800 mm। हाँ, सारा डाटा mm में है, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा गसेट प्लेट, गसेट प्लेट 15 mm थिक, गसेट प्लेट क्या हो जाएगा 15 mm मोटा हो जाएगा। बस दिया है भाई, पेपर ही लिख रहे हैं हम, ये सब दिया नहीं रहेगा, दिया है। अभी हम सब बताएंगे, बस लिख लीजिए आप। 100 × 100 × 10 mm। अभी सारा हम बताएंगे क्या होता है, बस लिख लीजिए। भाई किसका पेन लेते आए हम, जल्दी नोट करिए। हैं क्या कर रहे हो गया ना। अब देखिए, अब जो आप लोगों को फिगर दिखा रहा है ना, उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फिगर दिख रहा है ना, हाँ इधर से देखना, इस साइड से, किस साइड से भाई, जिधर हम एरो बना रहे हैं, जिस साइड हम एरो बना रहे हैं उस साइड से देखना है, उस साइड से, यानी ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, दो एरो बना रहे हैं, ठीक है, इस साइड से देखना है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एरो है ना, इसको अपने तरफ मोड़ना है, एकदम इधर से कर लेना है, इधर से कर लेना है, मोड़ लेना है, नहीं ये नहीं मोड़ना है, इमेजिन करना है। इसको कैसे मोड़ लेना है, राइट हैंड में ऐसा मोड़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्लान, क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। स्केल कितना लेंगे, स्केल 1:5 का, यदि बड़ा, अभी 1:5 में बनाइएगा, कल बना के लेकर आइएगा। यदि आप, हम बता रहे हैं स्टील ड्राइंग सबसे हार्ड है, नहीं बड़ा बड़ा ड्राइंग पे बना के लेकर आइएगा, लेकिन एग्जाम पे यदि डाटा बड़ा देता है तो 1:10 पे बन सकता है, ठीक है। यही दोनों यूनिट पे बनता है, 1:5 या फिर 1:10। तो सबसे पहले आप बड़ा बनाइए, ठीक है, तो ड्राइंग शीट पे बना के जरूर लाइएगा, अगर नहीं बनाते तो मेरा गारंटी भूल जाएगा, फिर बाद में कहेंगे कि सर एक बार और रिविज़न कर दीजिए ना, नहीं समझ आ रहा, तो हम फिर कह देंगे उसी लायक पढ़े हैं, क्योंकि ड्राइंग पढ़ने वाला नहीं ना, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट है, अब बनाएंगे ही नहीं तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले प्लान बनाएंगे, ऊपर से देखिएगा, जब ऊपर से देखेंगे तो सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक दिखेगा, अब उसमें दिखाते रहे, सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक दिखेगा, और कंक्रीट ब्लॉक का साइज क्या है, 1000 × 1000 × 800 mm, कह रहे थे एक यूनिट कहाँ गया, × 800 mm, तो मोटाई तो ऊपर से देखेंगे दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखाई देगा, 1000 × 1000, तो 1000 को चेंज करिए, इसमें 2000 दिया हुआ, हम जानबूझ के छोटा रखे हुए, 1500 कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में करिएगा, ध्यान दीजिए, तो 1500 1500, अब यूनिट पर चेंज करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 1500 mm भाग देंगे कितना, 500 से, तो कितना आ जाएगा, 300, 5 से भाग देंगे, क्योंकि 1:5 300 mm यानी 30 cm, तो हमको लगा यूनिट बड़ा होगा, हाँ, तो 1:5 क्या ले लेंगे हम, 10 ले लेंगे, 1:10 ले लेंगे, तब कितना आ जाएगा, 15 cm आ जाएगा, ठीक है, है ना। तो ऐसे देख लेना, यूनिट बड़ा देगा तो उसको छोटा कर लेना, तो 1:5 और 10 पे ही बनता है, तो देखिए 15 cm खींच देंगे, देखिए प्लान से देखिए और बनाइए 15 × 15 का, देखिएगा, है ना, 1:10 हो गया कॉलम बेस कनेक्शन, 1:10 का स्केल है, 15 × 15, ध्यान दीजिए, इधर बात मत किया करिए राहुल, मजाक नहीं, फिगर नहीं देगा भाई। देखिए ऐसा मिल जाएगा, अब ये रेक्टेंगल भी दे सकता था, 1:10 का स्केल है, रेक्टेंगल भी दे सकता था, बिल्कुल दे सकता है, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। प्लान में दिखेगा कि नहीं, कंक्रीट ब्लॉक ऐसे ही दिख जाएगा, ठीक है। कहाँ किधर बढ़ा है भाई, इधर बढ़ा है ना, हम इधर मिटा रहे हैं, उल्टा दिखता है ना कैमरे में, हम कर रहे हैं कैमरे, तो अब मोबाइल करके बेइज्जती कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको बता रहे हैं कैमरा लगा हुआ मोबाइल के नाम, अरे भाई नीचे आप लोग दिमाग मत दिया करें, नीचे भी और हमको बनाना है तो
अभी नीचे एलिवेशन बनेगा ना सर, आप ही को सिखा रहे हैं सर। मजाक मत किया करिए, ठीक है? अभी छूट जाएगा एक, फिर आपका एग्जाम में छूट जाएगा, हो जाएगा काम तमाम। हाँ देखिए हो जाएगा। अब देखिए, अब ऊपर से देखेंगे सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक दिख गया, उसके बाद देखिएगा आपका बेस प्लेट। बेस प्लेट दिखेगा नहीं दिखेगा? अब स्टील डिजाइन में पड़े हुए हैं बेस प्लेट, तो देखिए लिखा हुआ है कहीं बेस प्लेट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं बियरिंग प्लेट लिखा हुआ है। बियरिंग प्लेट लिखा है ना, तो बियरिंग प्लेट दिखेगा। अब बियरिंग प्लेट को मतलब बेस प्लेट कितने का है? 700 × 700 × 30 mm। तो फिर हाँ बेस प्लेट है, बियरिंग प्लेट जो लिखा है। फिर आपको मोटाई नहीं दिखेगा, 700 × 700 दिखेगा। तो देखिएगा इसके आधे पाएंगे भाई, 1500 के आधे पा जाएंगे 750 पे, और इधर से भी कितने आ जाएंगे 750 पे, है ना? और 700 का आधा उधर चल देंगे, 700 का आधा इधर, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ तो देखिएगा ये क्या हो गया, इसके आधे 1500 है ना, देखिए 1500 का कहाँ कर लिए हम, सेंटर पे निशान लगा लिए 1500 mm, ठीक है? इधर से भी कितना हो गया भाई 1500 mm। अब उसके सेंटर पे निशान लगा लिए कितने पे, 750 पर। उसके बाद बेस प्लेट कितना दे रहा है, 700 × 700, तो 700 का आधा देखिए, 700 का आधा इधर चल दीजिए, 700 का आधा देखिए, 700 का आधा उधर, 350 ऊपर 350 नीचे, हाँ सेंटर से 350 ऊपर 350 mm नीचे, 700 हो गया। फिर से इस सेंटर से 350 इधर और 350 इधर, हो गया कि नहीं हो गया? 700 × 700 का बेस प्लेट, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखेगा जब ऊपर से देखेंगे तो आई बीम दिखेगा कि नहीं, जो कटा हुआ है एकदम क्लियर दिखेगा, आई सेक्शन आई के टाइप में दिखेगा। और जो अपने साइड में मोड़े हुए हैं ना इसको, तो देखिए कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए ये सेंटर पहले से ही आपके पास है कि नहीं है? अब क्या आपको फ्लेंज की गहराई, फ्लेंज की चौड़ाई पता है? नहीं पता है, नहीं पता है ना, हाँ। क्या फ्लेंज की मोटाई पता है? नहीं। क्या वेव की मोटाई पता है? नहीं। तब जाएंगे हम स्टील टेबल में, तो जाइए स्टील निकालिए, स्टील टेबल में जाइए, स्टील नहीं स्टील टेबल में मिलेगा, स्टील टेबल से ध्यान दे, स्टील टेबल। अब देखिएगा जाइए कॉलम ISHB में जाइए, ISHB में जाइए स्टील कॉलम, ISHB 400 में जाइए, तो गहराई मिल जाएगा आपका 400। गहराई कितना मिल जाएगा? 400 नहीं है, नहीं है, ले फिर ISHB 400 नहीं है, दे देता है कभी कभी, क्या करेंगे, चलिए हाँ चलिए। ISMB 400 है क्या? ISJC है, अरे जे नहीं लेते कॉलम में, WB देखिए तो ISWB 400 कॉलम में जे नहीं लेते हैं, तो IS इसको WB कर लीजिएगा, ISWB 400 में चौड़ाई बताइए कितना है, W कितना, चौड़ाई कितना मिल जाएगा आपका 200 mm, और TF बता दीजिए थिकनेस ऑफ फ्लेंज, हाँ 13 mm, और TW बता दीजिए 6 mm, और आने दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, मिल गया। अब नहीं है तो हम इसको HB को क्या बना दिए हैं, WB, है ना? अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब देखिए गहराई कितना मिल रहा है 400, तो फ्लेंज के बाहर से इधर देखिए भाई, ओए फ्लेंज के बाहर से बाहर दूरी क्या कहलाता है, गहराई, ठीक है? तो देखिएगा गहराई कितना है 400, तो 200 इधर और इसे 200 इधर, समझ पा रहे हैं? उसके बाद समझिएगा फ्लेंज की चौड़ाई कितना है 200, तो इस सेंटर से 100 इधर और 100 इधर, इस सेंटर से 100 उधर 100 इधर, हाँ देखिए गहराई 400 है, तो यहाँ से 200 इधर और 200 इधर, गहराई 400 मिला ना, चौड़ाई कितना है 200, तो इस सेंटर इससे 200 इधर और 100 नीचे, अभी देखिए समझ आएगा, 100 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है? अब देखिएगा वेव की मोटाई, फ्लेंज की मोटाई कितनी है 13 mm, वेव की मोटाई 8.6, तो देखिएगा वेव कितना है 8.6, तो 8.6 सेंटर था, 8.6 का आधा ऊपर,
8.6 का आधा नीचे हो जाएगा। अब 8 को आप 10 मान लीजिएगा, 10 mm का ठीक है ना, सब एकदम यूनिट पे एक्यूरेसी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते पहली बात, क्योंकि थिकनेस 8.6 है, 10 mm यदि हम रखते हैं तब भी 1 mm आएगा, 1 mm यानी इस सेंटर से आधा ऊपर आधा नीचे नहीं ना पाएगा, तो उसको 2 mm 2.5 mm रख सकते हैं, यानी थिकनेस को एक्यूरेसी से नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ इधर उधर कर सकते हैं किसी भी, अब इसका भी बहुत करेंगे 1.5 mm आएगा, तो उसको 2.5 कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा वेव की मोटाई कितनी है, फ्लेंज की मोटाई 13 mm, तो 13 mm पहले कर रुक जाएंगे और देखिएगा आकर थोड़ा सा टेपर करते हुए मिला देंगे, वो तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, एक तरफ बड़ा जाएगा। अरे मेरा तो बड़ा छोटा हो रहा है, आपका तो बड़ा सेम होगा। अब बताइएगा, अब देखिए फिगर में देखिएगा, जब अपने अपने तरफ घुमा देंगे तो ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा आई की तरह, विपुल देखिए भाई फिगर नहीं देखेंगे आप, हम जो बता रहे हैं एकदम आई की तरह दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा ना सर, उसका ब्रेथ जब 200 है तो 100-100 ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। हाँ तो जितने सब फ्लेंज है उसके अंदर आएगा 100 एमएम का, तो वो तो ज्यादा नीचे हो जाएगा ना दोनों से सर, इसको यूनिट पे चेंज करके एक बार वो वाला स्केल से बनाएंगे। अरे भाई चुप रहे, आप यहाँ बताइए क्या नहीं समझ आ रहा, वो वाला स्केल ये वाला वो वाला स्केल छोड़िए, आप यहाँ बताइए क्या नहीं समझ आ रहा। हाँ 200 mm, अब देखिए ये सेंटर था कि नहीं था, तो यहाँ से 200 इधर चले गए, खींच दीजिए जितना मन करे, फिर 200 इधर चले गए, 400 गहराई मिल गया। अब फिर देखिए फिर डब एक कितना है 200 है, तो यहाँ 100 इधर चले गए, 100 इधर चले गए, फालतू मिटाइए, फिर 100 इधर फालतू मिटाइए, हो गया ना। अब देखिए टी डब्ल्यू कितना है, 8.6 मोटा खींच दिए, ये क्या है 13 mm टी एफ, तो 13 mm पहले ही रुक जाएंगे वाला, ये देखिए 13 mm पर बना दिया। अब देखिए कहाँ दिक्कत है, हो गया ना कोई दिक्कत, ऐसा आई की तरह दिखेगा है ना। अब देखिएगा उसके बगल में देखिए आई फ्लेंज हो गया, फ्लेंज दिख रहा है फिगर में जो दिखा रहे हैं, उसके बगल में देखिए लिखा है घसेट प्लेट, ऊपर से देखेंगे तो घसेट प्लेट की क्या दिखाई देगी, मोटाई दिखाई देगा, निकला हुआ जो थोड़ा। मोटाई निकला क्या हुआ, मोटाई देखिए दिखाई देगा ना, और मोटाई देखिए ऊपर से देखेंगे मोटाई दिखाई देगा, और कितना लंबा चला हुआ है तो देखेंगे पूरा बेस प्लेट जितना लंबा है पूरे बेस प्लेट में लगा है, वो भले काट कर लगा दिया गया है लेकिन पूरे बेस प्लेट में लगा हुआ है, जितना लंबा बेस प्लेट है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो इनको समझाइए भाई, जितना लंबा बेस प्लेट है पूरे लंबाई में लगा हुआ है, देखिए घसेट प्लेट है कि नहीं, काट करके लगाया हुआ है तो ऊपर से कटा हुआ थोड़ी दिखेगा, तो यानी बेस प्लेट को जब घसेट प्लेट को ऊपर से देखेंगे तो उसकी लंबाई और मोटाई दिखाई देगी है ना। तो देखिएगा घसेट प्लेट की मोटाई कितनी है भाई, 15 mm, तो देखिए इसी से इसको मिटा रहे हैं 200 × 400 को, इसी से देखिए यहाँ खींच देंगे क्योंकि यहाँ से है ये, और 15 mm मोटा बताइए है कि नहीं है, है ना, ये घसेट प्लेट 15 mm हो गया आपका मोटा, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद उसके बाहर देखेंगे तो लिखा हुआ है उसके नीचे मिलेगा क्लीट एंगल, अब एंगल लिखिए यानी एल की तरह है, एंगल जानते हैं आप एल की तरह होता है, तो एंगल का देखिए कॉलम भी हम बना चुके हैं, बेस प्लेट भी बना चुके हैं, और कंक्रीट ब्लॉक भी हो गया, घसेट प्लेट भी, अब क्या मिला है क्लीट एंगल, कितने का 100 × 100 × 10 mm का, 10 तो सब दिखेगा, 100 × 100 = 10 का। अब देखिए क्लीट एंगल कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, देखिएगा ऐसे लगा हुआ है, तो देखिएगा ए वाला ऊंचाई दिखेगा नहीं ऊपर से देखेंगे, लेकिन ए दिखेगा यहाँ से यहाँ कितना दिखेगा 100, और 100 के अंदर ही उसकी मोटाई दिखेगी, 100 के अंदर ही उसकी मोटाई होती है। एंगल कैसे होता है, ऐसे होता है देखिएगा, हाँ यहाँ से 100 है तो 100 के अंदर ही उसकी मोटाई दिखेगी, जो डिस्टेंस होता है बाहर से होता है ये भी 100 है ना। तो देखिए अब यहाँ से कितना जाएंगे हम 100 जाएंगे भाई, कितना जाएंगे 100, और इधर से भी कितना जाएंगे हम 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा बढ़ा कर बना रहे हैं भाई, कोई गुस्सा आएगा नहीं ना,
आपका अच्छे से बन जाएगा, आपको नहीं घटाना बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते हैं 100 × 100 10 mm आएगा। अब इसी में इसकी मोटाई कितनी है? 10 mm। उसको खींचना पड़ेगा यहीं पे, है कि नहीं? फिर इधर भी खींचना पड़ेगा, है ना? हाँ, भी रिवेट भी बनेगा, इसी में बन जाएगा, सब बन जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिएगा, इतना हो गया। अब देखिए, हो गया कि नहीं हो गया? अब कुछ नहीं बनाना है, मतलब बहुत कुछ बनाना है, लेकिन इतना समझ आ गया, समझिए हो गया। अब देखिएगा, जब बेस प्लेट है, आपके फिगर में जो नहीं दिखेगा, बेस प्लेट किससे कनेक्ट है? बेस प्लेट किससे कनेक्ट होता है भाई? कंक्रीट ब्लॉक से, है कि नहीं? तो देखिए, बेस प्लेट को कंक्रीट ब्लॉक से कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, बोल्ट की सहायता से। देखिए, बोल्ट बना दिए, 1, 2 कितने बोल्ट हैं? देखिए, होल्डिंग बोल्ट 20 mm व्यास के 4 mm। तो देखिए, 20 mm व्यास का 4 mm, देखिए, होल्डिंग बोल्ट, यानी ये बेस प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया? कंक्रीट से कर दिया बेस प्लेट को कंक्रीट से कनेक्ट, कोई दिक्कत? ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तक पेंसिल दीजिए ना। अब देखिएगा, अब क्या है ना, यहाँ तो एंगल दिख गया, दिख गया। अब इसमें इसमें होल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? वो क्या चीज़ है? रिवेट है। तो रिवेट दिखाना शुरू करें। तो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, रिवेट कैसे दिखाएंगे? ये देखिए, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन, और इसी में ऐसे दिखा देंगे रिवेट, ठीक है? अब बहुत सारे रिवेट दिखाते हुए चले जाइए, एक लाइन खींचेंगे और रिवेट दिखाते हुए चले जाएंगे, नहीं डिस्टेंस, हाँ ऐसे। अब देखिए, यहाँ जो है, यहाँ इससे ले करके बनाएंगे, यहाँ इससे ले करके बनाएंगे। अब दो दो बना सकते हैं, जगह हो तो, हम एक एक बना रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा दूर दूर नहीं बनाना है, ये नहीं कि ज़्यादा दूर दूर बना देंगे, जानवर को बेवकूफ़ बना दें, फिर वो आपका बेवकूफ़ बना देगा, ठीक है? हो जाएगा, है ना? आपका स्पेस 1-1 cm से दूर मत लगाइएगा, बराबर बराबर दूरी पर लग जाएगा, हो जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी लगा देंगे हम। देखिए, बुक में ऐसा लगाया होगा, अरे मतलब कि आपको होल मिलेगा, इसी से बांधा गया है। अरे तो बुक में नहीं ना दिखेगा, वो तो 3D है ना, भाई जब देखेंगे तो यही तो, बस रिवेट का बाहर निकला हुआ तो पोर्शन दिखाई देगा। ओए, जब देखेंगे तो ऊपर का बाहर निकला हुआ, बस रिवेट का जो निकला वही दिखाई देगा। तो देखिए, वही दिखाई दे रहा है, हो जाएगा। हाँ, तार से बांधा। नहीं ना, सिंगल लाइन भाई, ऊपर से देखेंगे तो बीच वाला लाइन नहीं दिखाई देगा, और रिवेट बनाने के लिए लाइन खींचा गया, नहीं तो एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, नहीं नहीं भाई, वो रिवेट नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो बनाइएगा लाइन। इधर ध्यान दीजिए, अब देखेंगे तो देखिएगा, जहाँ वेव दिख रहा है, वेव दिख रहा है आपको, वहाँ भी ना क्लीट लगा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ देखिए, है ना, वहाँ भी लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं? देखिए वो कैसा है, ऐसा ही आई सेक्शन, इधर ध्यान दीजिए, आई सेक्शन ऐसा ही है, ऐसा ही, तो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आई सेक्शन, दोनों साइड में, उसके अंदर, हाँ, वेब में, समझ आ रहा है? तो वो भी बनाना पड़ेगा, हाँ, इनको समझाए, सबको समझ आ गया? हाँ, तो देखिए, वो भी कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा भाई, यहाँ कितने एम एम बाहर आएंगे भाई? वही क्लीट ही है, 100 mm, कितने एम एम बाहर आ जाएंगे? 100 mm, ठीक है? देखिएगा, 100 mm जो आए हैं, इधर आए हैं 100 mm, इसकी क्लीट एंगल की लंबाई नहीं कहीं दी होती है, जैसे देखिएगा, यही तो क्लीट एंगल है, इधर हम 100 आए हैं, लंबाई तो कितना भी हो सकता है, तो यही क्लीट एंगल है, क्लीट एंगल, इधर कितना है हम? 100, ए वाली लंबाई नहीं दिया है, ए वाली लंबाई अपने अनुसार रख लेना है, छोटा बड़ा, हाँ, बीच में रखना है, दोनों तरफ इक्वल आए, ठीक है? मैं यहाँ से जितना इधर जाएंगे उतना ही उधर जाना है, है ना? तो ए वाला 100 है, और ए वाला उसकी मोटाई दिख जाएगी, है ना, 10 mm मोटाई। फिर इधर हम 100 चले जाएंगे, और 10 mm क्या दिख जाएगी? मोटाई। कोई दिक्कत है नहीं? अब इसको तो बांधा जाएगा, देखेंगे तो बुक में रिवेट दिखेगा, है ना, दिखेगा थोड़ा सा ए वाला। चलिए, इसको बांध देते हैं भाई, एक लाइन खींचेंगे, 2 लाइन 3 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं, और क्या बना देंगे? रिवेट का सिंबल।
नहीं आप लोगों का भी छोटा ही बनेगा लेकिन दिखेगा, ठीक है हो जाएगा। वो जो रिवेट है देखिए कैसा है, ए ऐसा ही है, इधर देखिए भाई तो ए तो बांध दिए लेकिन यहाँ भी तो रिवेटिंग किया गया है ना, तो देखिए ए हाँ। अब सिर्फ क्रॉस ही बना सकते हैं, जगह रहेगा थोड़ा सर्कल बना दीजिएगा अच्छा लगता है, सिर्फ क्रॉस बना कर काम चला सकते हैं ठीक है, और थोड़ा सर्कल बना कर क्रॉस बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा, हो जाएगा। उसके बाद जो ए एंगल है देखिएगा, ए एंगल यहाँ यहाँ ए भी तो किया हुआ है, इस पर भी है ना, उस पर ऊपर से होल दिखेगा देखिए ऐसे, नहीं बोल्ट बड़ा बनाना है, बोल्ट बड़ा रहेगा देखिए दिख रहा है ठीक है, गोल नहीं बनाए थे, या तो आप या फिर आप क्रॉस बना सकते हैं ऐसा, बस जैसे क्रॉस बना रहे हैं आप क्रॉस प्लस बना कर छोड़ सकते हैं प्लस प्लस, लेकिन अच्छा नहीं लगता हमको, हम सर्कल बना देते हैं लगता है रिवेट है ठीक है, तो रिवेट सर्कल बना कर काट दीजिएगा हो जाएगा। अब कुछ नहीं दिखने वाला है ठीक है, अब आपका नहीं दिखेगा, प्लान हो गया, क्या हो गया आपका प्लान, कोई दिक्कत बताइए हो तो, कहाँ दिक्कत है लेफ्ट आपका कह देंगे शुरू से बनाइए जब हम तभी समझा रहे हैं, तो हम जब जो चीज़ दिखा रहे हैं वो कहिए नहीं दिख रहा है तब ना हम बताएँगे, हाँ उसका आप कहाँ बता पाएंगे कौन सा लाइन, हमको खुद कन्फ्यूज हो जाए, कहाँ फोटो कहाँ देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं तब क्या नहीं समझ आ रहा बताइए, कहाँ नहीं समझ आ रहा, ए वाला ए वाला ना वही ना ए वाला ए वाला, तो बहुत पहले की बात है भाई, यही नहीं समझ आया फिर मुंह देख रहे हैं मेरा, अब हम कैसे समझाएं उसमें, सबसे पहले आई खंड मिलेगा ना, जब नहीं जहाँ समझ आता वहीं बोला जाता है पूरा, आप सोचेंगे कि एक बार जब सर जी पूछेंगे तो हम कह देंगे एक बार और बता दीजिए, हो जाएगा आई सेक्शन, आई सेक्शन के बाद देखेंगे तो रखा गया है क्या आपका घसेट प्लेट, तो घसेट प्लेट की मोटाई दिख जाएगा ऊपर से, घसेट प्लेट के बाद एंगल रखा गया है, तो एंगल ऐसे होता है, तो कितना एमएम बाहर निकलेगा एंगल 100 एमएम निकल गया, लेकिन उसी में उसकी मोटाई भी दिखेगी क्योंकि एंगल ऐसा है, एंगल ऐसा है, तो 100 एमएम निकल गया और उसी में उसकी मोटाई दिख गई, समझ रहे हैं, उसी तरह इधर भी हो जाएगा, और जो निकला हुआ है उसी में रिवेटिंग किया हुआ है, अब क्या बनाएंगे इसका हम साइड हुई बताएं, मतलब एलिवेशन क्या बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे, पहले इतना बना लीजिए अलग पेज में बनाइएगा, अरे चुप रहिए ना, चलिए देखिए इधर से, अब हाँ अब क्या बनाना है इसका एलिवेशन बनाना है, अब इधर से क्या देखेंगे इसे, इसको कहाँ से देखेंगे भाई, इधर ध्यान दीजिए दे दीजिए इस और दीजिए पेंसिल दे दीजिए, अब इसको कहाँ से देखेंगे, सामने से देखेंगे ठीक है, देखिएगा क्या शिकायत कर रही है मेरा भाई कान में, अब देखिए अब इधर से देखेंगे, इधर से किधर से जिसे तीर लगाएं इधर से ही देंगे, तो देखिए कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई दिखेगा और एक एक यूनिट भी दिखेगा, समझ रहे हैं विपुल, तो देखिए ये तो हम आ जाएंगे प्रोजेक्शन आ जाएंगे है ना, अब बताइए मोटाई दिखा देंगे, यदि मोटाई दिखा दे रहे हैं, चलिए मोटाई कितना है 30 सेंटीमीटर है ना, कहाँ है भाई कंक्रीट ब्लॉक 80 सेंटीमीटर है, तो स्केल पे चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यदि आपके पास जगह नहीं बचता है तो क्या करना है मोटाई के लिए, ए हाँ कंटिन्यूस बना दीजिएगा, तो बहुत तेज़ हो गई है भाई, क्या बना देना है आपको कंटिन्यूस बना देना, नहीं नहीं मोटाई मोटाई मोटाई, अब तो सामने से मोटाई भी दिखेगा, हाँ क्या हाँ मोटाई तो 800 mm है, 8 सेंटीमीटर आएगा एक समय 10 लिए तो नीचे कंटिन्यूस बन जाएगा यदि जगह नहीं रहेगा ठीक है, यदि जगह है तो बना दीजिएगा और ऊपर खींच दीजिएगा, यदि जगह है तब भी लिख दीजिएगा कितना 800 mm
यदि नहीं है मतलब कि कंटिन्यूस बनाए तब भी आपको 800 लिखना पड़ेगा, यदि पूरा बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना दिखेगा ना प्रोजेक्शन 1500 ml वाला, इसके ऊपर देखिए बेस प्लेट की मोटाई दिखाई देगी, देखिए उसमें बेस प्लेट की मोटाई दिखाई देगा, एलिवेशन में सारे मोटाइयाँ दिखाई देगी, दिखाई दे रहा विपुल, विपुल बेस प्लेट, हाँ तो बेस प्लेट की मोटाई कितना है 30 mm, 3 mm दिखाई देगा, इधर दिखाई देखिए बियरिंग प्लेट जैसे बेस प्लेट देखिए इसका बियर इसका प्रोजेक्शन आ जाएंगे और जितना बड़ा है देखिए यही है ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आई सेक्शन दिखेगा एकदम सीधा सीधा, भाई बीम कॉलम तो दिखेगा ही दिखेगा, देखिए आई सेक्शन का प्रोजेक्शन आ जाइए फटाक से, आई सेक्शन का प्रोजेक्शन आ जाइए, ये हम बाहर वाला आए हुए हैं, उसके बाद देखिए उसके बाद ध्यान दीजिए ये बाहर वाला आए हैं फिर मोटाई आई सेक्शन बताइए सेम आई सेक्शन ऐसा ही दिखेगा नहीं दिखेगा है ना, आई सेक्शन सेम दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं। विपुल जब समझ नहीं आएगा तुरंत बोलिएगा, ये मत सोचिएगा कि अब बना लेंगे तब बोलेंगे, इतना लाइन हो जाएगा हम समझाएंगे कैसे, बी में ऐसा ही दिखाई देगा मतलब कॉलम ऐसा ही दिखाई देगा, अब थोड़ा इसको बढ़ा के बनाएंगे तो सुंदर लगेगा मेरे इतना सुंदर, ठीक है। तो अब देखिएगा अब इसके बाद बेस प्लेट घसेट प्लेट दिखेगा, अब घसेट प्लेट का हम बताए थे बस एक यूनिट होता है, क्या होता है थिकनेस होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो जितना मन कर उतना ऊपर जाइएगा और मोटाई दिखा दीजिएगा, ऐसा ही तो घसेट प्लेट ऐसा ही लगा हुआ है देख लीजिए है ना, देखिए ऐसा ही लगा हुआ है, ए वाला हो गया घसेट प्लेट, समझ रहे हैं विपुल ए वाली मोटाई। उसके बाद क्या दिखाई देगा आपका एंगल, अब देखिए एंगल 100 × 100 है तो देखिए एंगल कितना चले जाएंगे आप 100 ऊपर जाएंगे, 100 ऊपर जाएंगे और 100 इधर जाएंगे, ऐसा कर्व कर दे, हाँ कर्व करना है ठीक है, देखिए 100 ऊपर देखिए 100 इधर चाहिएगा 100 उधर जाइएगा कोने से 100 देखिए ना भाई यहाँ से कितना इधर आएंगे 100 इधर आएंगे 100 ऊपर भी कितना जाएंगे 100 देखिए उसका 10 mm मोटाई का बना देंगे, यार बहुत चिल्लाते हैं सब यार अभी उधर हो रहा था अभी इधर हो रहा हमेशा कुछ ना कुछ पागल हो जाता है आदमी, अरे इतना नहीं होता है हो जाएगा ना इतना हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा ये वाला भी तो दिखाई देगा जो 100 × 100 का है ऐसा बीच में विपुल ए वाला चीज़ है ए वाला भी दिखाई देगा एंगल बीच में सीधे समझ आ रहा है। अब देखिए अब जो रिवेटिंग किए हुए हैं ए वाला रिवेट यहाँ दिखाई देगा क्या मेजर ए वाला स्केल तो वही है ना समझ 10 स्केल नहीं अलग स्केल नहीं स्केल एक समझ 10 है हाँ ये तो प्रोजेक्शन आते रहेंगे मोटाई के लिए तो मोटाई तो मापेंगे ना स्केल से एक कितना चौड़ा ए वाला इतना ही चौड़ा है इधर कितना आएंगे जितना एंगल आए हैं उतना ही एंगल इधर भी आएंगे अंदर वाला देखिए सामने से ऐसा ही है ना सामने दिख जाएगा ऐसे सामने से देखिए ऐसा ही तो दिखा है हाँ नीचे मोटाई दिख जाएगा समझ गए ये बोर्ड आपका वेव हो गया बस जुड़ गया ठीक है। अब देखिए रिवेट इधर भी लगा दीजिए रिवेट एक कसा हुआ है ना देखिए रिवेट और बेस प्लेट में अंदर घुसा हुआ है बेस प्लेट में नहीं बेस प्लेट के नीचे नहीं जाएगा उसी में रहेगा वो पहले से अंदर से रखा जाएगा पहले से अंदर से रहेगा हाँ ऊपर से डालकर कस देना है ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तो सारा दिख रहा दिखेगा ही यहाँ तो सारा दिखेगा ही रिवेट है ना जहाँ जहाँ लगाएं सामने से इधर भी लगा दीजिएगा ठीक है इधर भी सेम
नहीं नहीं अब नहीं, अभी वो हो गया इतना। उधर यहाँ भी दिख जाएगा तीन है ना, तीन है यहाँ पे भाई। उसके बाद यहाँ भी तीन है ना तीन। और कुछ छूट रहा है, बोल्ट, बोल्ट देखिएगा यही बोल्ट है। तो देखिए बोल्ट तो दिखेगा नहीं, डॉट कितना एमएम लंबा रहेगा भाई, डाया कहाँ गया भाई, डाया बोल्ट नहीं दिया मतलब कितना लंबा दिया है, नहीं है, है ना। हाँ तो जितना मन का उतना लंबा, थोड़ा सा ही थोड़ा ज़्यादा ही लंबा ले जाइएगा। हाँ देखिए बोल्ट पहले से उसमें फिक्स है, और ऊपर बोल्ट का सिंबल बना दीजिएगा ऐसा ही। नहीं रिवेट का नंबर नहीं फिक्स हो गया बोल्ट भाई, बोल्ट का आ जाना है प्रोजेक्शन। देखिए बोल्ट का प्रोजेक्शन मेरा यहाँ आ रहा है, कहीं आपका तो इधर उधर नहीं जाएगा ना। आप बोल्ट प्रोजेक्शन लेकर आइएगा, हाँ आपका इसमें सटेगा भी नहीं, ठीक है बन गया। अब बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका क्या करना पड़ेगा, कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। अरे यार सीसीम नहीं पड़े हैं पहले से प्रबलित कंक्रीट, उसका प्रयोग पोल बनाने। हाँ हाँ कैसे बनता है, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पहले से उसमें, यहाँ मत पूछे जान दी उसमें से छड़ रहता है पहले से खींच देते हैं छड़ को, ठीक है हो जाएगा ना। और देखिए कहीं एक तरफ ला करके इसको लिख दीजिएगा, जैसे इधर लिख दीजिएगा, इधर यूनिट लिखे हुए हैं तो इधर लिख दीजिएगा कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक लिखे, बेस प्लेट इसको क्या लिख देंगे आप लोग, बेस प्लेट 700 × 30 mm कंक्रीट ब्लॉक कितने का है भाई, 1500 mm × 30 mm नहीं कंक्रीट ब्लॉक गुणे 800 mm है ना। इसको क्या लिखेंगे, गसेट प्लेट। अब कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है, क्या जाएगा आपका गसेट प्लेट 15 mm थिक है ना। एक क्या जाएगा आपका क्लीट एंगल, क्लीट एंगल आपको कैपिटल लेटर लिखना है पूरा 100 mm × 10 mm ठीक है। हमको पता नहीं लग क्यों लग रहा है कुछ छूट रहा है, अरे यार तो हम ही को हिला देगा, इसे कहते हैं होल्डिंग बोल्ट, होल्डिंग बोल्ट। अरे क्यों पागल हो गया, आंधी पानी चलने लगा, होल्डिंग बोल्ट ठीक है, मौसम ठीक है, 10 है हाँ, 20 mm फाई का 4 नंबर बेस प्लेट कॉलम, पागल हो गया कॉलम ISWB 400 ठीक है हो गया। इसको लिखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपका 700 mm, इसको भी कितना लिखना है 700 mm। अरे यार नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, अपना एडमिट कार्ड देखिए भाई, यहाँ आ जाएगा आपका 400 ठीक है, नोट करिए फटाक से। हाँ देखिए तो हेलो समझिए,
अब देखिए एक क्या था आपका कॉलम बेस कनेक्शन विथ गसेट प्लेट है ना। हम बताए थे ना बेस प्लेट दो प्रकार के होते हैं, कॉलम विथ गसेट प्लेट और कॉलम विथ स्लैब बेस, कॉलम विथ गसेट बेस और कॉलम विथ स्लैब बेस। अब देखा कि फ्रंट इलिवेशन बनाइए कॉलम विथ स्लैब बेस का, ये तो गसेट बेस था, जैसे स्लैब बेस देगा ना कुछ नहीं चेंज करेगा। देखिए स्लैब बेस, जैसे स्लैब बेस देगा कॉलम विथ स्लैब बेस, इस गसेट को ख़त्म करेगा, क्या करेगा घसेट को कलम ख़त्म करेगा, फिगर में कोई अंतर नहीं आएगा, फिगर सेम ऐसे रहेगा, बस इसके जगह लिखेगा फ्लेंज कवर या कवर प्लेट 15 mm थिक। बस बताया था ना जब कवर फ्लेंज कवर लगाते हैं बस कवर लगा देंगे 15 mm मोटा, हाँ फ्लेंज पे कवर, अभी फ्लेंज पे घसेट लगाए थे अभी फ्लेंज पे कवर लगा दिए, बस हो गया स्लैब बेस। अब फिगर में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, बस फिगर ऐसे बनेगा, कहाँ गया घसेट, कहाँ गया घसेट, घसेट प्लेट की जगह लिख देंगे कवर प्लेट, सेम सेम क्या अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है वही बता रहे हैं, हो गया। वो कहेगा ना कि भाई अगर तो घसेट प्लेट दे देगा यहाँ तो समझिए घसेट बेस का है, यदि कवर प्लेट देगा स्लैब बेस का है पहला, और वो क्वेश्चन में कह देता है कि प्लान और इलिवेशन कॉलम भी स्लैब बेस का प्लान इलिवेशन बनाइए, डेटा देता है, डेटा देगा ठीक है। और देखिए कभी कभी कवर प्लेट का साइज देता है, कैसे देगा 300 mm गुणे 15 mm ऐसा दे देगा, तब बताइए फिर ये ऊंचाई कितना दिखाई देगा एक कवर प्लेट वाला, ये 300 mm दिखाई देगा, चलिए ऊपर ही बना दे रहे हैं, अब ये कितना ऊपर लेके जाएंगे बस 300 mm तक, ठीक है कितना ऊपर ले गए 300 mm तक, समझ रहे हैं बस, और कोई अंतर फिगर सेम यही बनेगा क्योंकि ऊंचाई है 300, लंबाई बेस प्लेट इतना ही रहेगा, हाँ अरे क्लीट एंगल देख, यही तो क्लीट एंगल है, यही प्लान में क्लीट एंगल देख, क्लीट एंगल है क्या, अरे जब पढ़ाने लगा है हवा चलने लग रही है, देखिए क्लीट एंगल यही चीज़ है, यही है बस कुछ नहीं एंगल है, उसके साथ कैसे जुड़ा होगा, देखिए तो सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है ऐसा क्या है आई है, आई हो गया, अब इसके आई हो गया इसके ऊपर क्या लगा है कवर प्लेट, मतलब घसेट प्लेट या कवर लग जाएगा, देखिएगा एक कवर प्लेट हो गया, अब इसके बाद में कैसे लगा है ये हो गया कवर प्लेट, अब इसके बाद में एंगल लगा, देखिए मेरा हाथ है वाला हो गया कवर प्लेट, अब एंगल लगा है, तो देखिए एंगल कितना इधर गया हुआ है, ये जो दिखा रहे हैं हम कवर प्लेट है, देखिएगा ये जो दिखा रहे हैं ना एक कवर प्लेट है या घसेट प्लेट हो गया, यही होता है जब बाद में जब पूछेंगे ना तो फिर इधर का उधर कलर कर देते हैं, बाहर वाला यही वाला ना अंदर वाला जो बीच में जो बनाया है, तो ये देखिए ये कैसे है, देखिए ऐसा ही आई ऐसा ही दिख रहा है आपको, ए वेव दिख रहा है वेव, अब वेव देखिए अब मेरा हाथ वेव हो गया, क्या हो गया देखिए हाँ देखिए ये मान लीजिए आई सेक्शन हो गया, आई सेक्शन दिखा, अब कैसे लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ, तो देखिए कितना ऊपर निकला हुआ जा रहा है 100 mm, और उसी 100 mm इसकी मोटाई दिखेगा, हो गया कि नहीं हो गया ऊपर से देखने पर, और सामने देखेंगे तो देखिए सामने देखेंगे तो ऊपर कितना गया 100, ऊपर से देखें तो सामने वाला 100 दिखा है और उसमें उसकी मोटाई दिखाई, कहाँ गैप है भाई ये इधर थोड़ी जुड़ा हुआ है, वेब तो ये है ना इधर तो फ्लेंज है, फ्लेंज से थोड़ी जुड़ा, इधर तो फ्लेंज है इससे तो गैप रहेगा, वेब से जुड़ा हुआ है तो वेब तो ये है, ये तो फ्लेंज ऐसा ना है, ठीक है हो गया, तो दोनों बना लेंगे आ जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होंगे ना,